नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुई धागा, लव यात्री और अंधाधुन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसी के साथ हम जानेंगे कि हॉलीवुड की बिगी फिल्म वेनम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन चारों ही फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक आया है, क्योंकि इन चारों फिल्मों में से तीन फिल्मों को हो चुके हैं आज पूरे 4 दिन और सुई धागा को हो चुके हैं पूरे 11 दिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इन फिल्मों ने अभी तक कितने करोड़ की कमाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड बिगी फिल्म वेनम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 4,08,00,000 रुपए। वहीं इस फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था और इस फिल्म ने कमाए थे दूसरे दिन 5,28,00,000 रुपए। इसी के साथ इसके 2 दिन का जो कलेक्शन आया था वो हो चुका था 9,36,00,000 रुपए और जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो हो चुका था 12,13,00,000 रुपए। वहीं तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आ चुके हैं इस फिल्म के और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाए हैं 7 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस फिल्म के जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुके हैं 17 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, और ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 20 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों इस फिल्म का जो आज का चौथे दिन का कलेक्शन आया वो हो चुका है 3 करोड़ रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है 23 करोड़ रुपए का। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी फिल्म सुई धागा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में वरुण धवन और अनुष्का शर्मा थे और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था यशराज ने। जहाँ इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 8,30,00,000 रुपए, वहीं इस फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए थे 12,25,00,000 रुपए। वहीं तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 16,05,00,000 रुपए और इसी के साथ इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में कमाए थे 62,50,00,000 रुपए। लेकिन इस पे जो आठवें दिन का कलेक्शन रहा वो काफ़ी कम रहा और इस फिल्म ने कमाए थे 2,15,00,000 रुपए। वहीं 9वें दिन का कलेक्शन रहा 3,15,00,000 रुपए। अब 10वें दिन के कलेक्शन भी आ चुके हैं दोस्तों और इस फिल्म ने अपने 10वें दिन कमाए हैं 4,20,00,000 रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका है 75 करोड़ रुपए। वहीं इस फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन भी आ चुके हैं और इस फिल्म ने अपने 11वें दिन कमाए हैं 1,30,00,000 रुपए। इसी के साथ इसका कलेक्शन हो चुका है 76 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी फिल्म के बारे में और तीसरी फिल्म है श्रीराम राघवन और आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुन। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में इनके साथ राधिका आप्टे और तबू भी थी। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 2,95,00,000 रुपये। वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने कमाए थे 6 करोड़ रुपये। वहीं तीसरे दिन का जो कलेक्शन आया है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाए 8,20,00,000 रुपये। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन आए हैं वो हो चुके हैं 19 करोड़ रुपये। दोस्तों अब इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन भी आ चुके हैं। इस फिल्म ने अपने चौथे दिन में कमाया है 3 करोड़ रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है 22 करोड़ रुपए का। दोस्तों इस फिल्म को दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों जो चौथी फिल्म है वो है लव यात्री, जिसमें आयुष शर्मा ने डेब्यू किया है, वहीं वरीना हुसैन भी डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो है सलमान खान। इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कोई खास नहीं रहा और इस फिल्म ने कमाए थे 2 करोड़ रुपए। वहीं दूसरे दिन के कलेक्शन भी इस फिल्म के आ गए थे और 2,85,00,000 रुपए की कमाई की थी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे थे। वहीं इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन भी आ चुके हैं और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाए हैं 4 करोड़ रुपये और इसी के साथ इस फिल्म का जो अभी तक का टोटल कलेक्शन हो चुका था वो हो चुका था 9 करोड़ रुपये का। वहीं इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए हैं 1,60,00,000 रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका है अभी 10 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 20 करोड़ रुपए का अपना बजट पार कर पाएगी या नहीं, और अगर नहीं कर पाए तो ये फिल्म हो जाएगी फ्लॉप। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म अपना बजट पार कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।